अच्छा सबसे पहले कि आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, यहाँ पर सब लोग मिलते हैं और एक दूसरे को कलर लगाते हैं। और यहाँ पे आके होली खेलते मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये बहुत ही अच्छा काम कर NGO है इनका, जो छोटे बच्चों को पढ़ाता है। और इनका आज आर्ट कॉम्पिटिशन है। ऑर्गेनिक कलर यूज़ करना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई वुड से होली हैप्पी होली बट यूज ऑर्गेनिक कलर। बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे पता होता कि रंगों से मुझे डुबो देंगे बोलो तो मैं कुछ और कपड़े पहन के आती बट नहीं, मुझे रंगों से बहुत प्यार है, मैं बहुत खेलती होली। तो आज मुझे अफसोस है कि मैं नहीं खेल पाई, लेकिन अभी घर जाकर फिर से खेलूँगी। समथिंग बिग टू हैपन, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी आई कांट से एनीथिंग बिकॉज इससे मुझे कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाएगा। मैं अभी बोल दूँ तो कहीं रिप्लेस ना कर दे, बहुत चीज़ें होती हैं। सो आई हैव केप्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। इज समथिंग बट आई कांट रियली एनीथिंग राइट नाउ फॉर द टाइम। मैं वो लोग मुझे बोलना था कि ओके फाइन नाउ यू कैन पुट इट ऑन पेपर्स एंड एवरीथिंग, तो मैं थोड़ा वेट ही कर लेना बेटर है राधे रहा मुझे रिप्लेस कर दे किसी और को ले लें गुस्सा होकर। तो इससे अच्छा आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खुशी की बात है आजकल विमेन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है। इससे बाकी लोगों को भी एक वो उठ सकता है कि ओके फाइन वुमेन काफ़ी कुछ कर सकती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन है। तो बहुत खुशी है मुझे कि आजकल वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है और लोग सराहा रहे हैं उसको, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों आजकल सबसे मतलब टॉप शो में है, तो ऑफकोर्स मैं एंकरिंग भी करना चाहूँगी। एंकरिंग मुझे बहुत पसंद, मैंने की भी है पहले। और बिग बॉस में भी बिल्कुल रियलिटी शोज नेचुरल ही होगा, जो भी होगा अगर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली जाऊंगी। मे ही सो रेस्ट इन पीस डेफिनेटली। और जी मतलब अभी उनकी पिक्चर रिलीज हुई है और जिस मतलब बट हैट्स ऑफ टू हर, मतलब अभी तक अच्छे से निकाला है, आगे भी अच्छे से।